नमस्कार दोस्तों, मैं सत प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि BSSC इंटर स्तरीय लेवल का जो एग्जाम है वो उसका फॉर्म आज से फिल होने लगा है, यानी इसका एग्जाम लगभग नजदीक ही है, एक दो महीने के अंदर हो जाएंगे। इससे इस एग्जाम में बिहार से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो देखते हैं दोस्तों, बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो हम आज से इसका एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो लगातार चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। लगभग सारे क्वेश्चन जो कि बिहार से संबंधित होंगे उसके सारे क्वेश्चन का आंसर हम करवाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बोल रहा है दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को ही 1912 में ही दोस्तों 1912 में ही दोस्तों बिहार को अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आइए दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का था बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। पीपल क्यों है, क्योंकि बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुआ था दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना दोस्तों। इसीलिए बिहार का जो मतलब राजकीय वृक्ष है वो क्या है दोस्तों, पीपल का पेड़ है। और आप सभी को पता होगा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों, स्वास्तिक के बीच में पीपल का पेड़ बना हुआ है दोस्तों, स्वास्तिक के बीच में पीपल का पेड़ बना हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर छह पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छह का था दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय है, यानी बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो पटना में ही है दोस्तों, पटना हाईकोर्ट। आप सभी को पता होगा पटना हाईकोर्ट पटना में ही है। क्वेश्चन नंबर बिहार का राजकीय भाषा, तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी और उर्दू। बिहार का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी और उर्दू। क्वेश्चन नंबर छह पे आइए दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, गेंद, बिहार गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, गेंदा। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइए, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु दोस्तों बैल है। कौन है, बैल, जिसको इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं, ऑक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ का था बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, जो कि अब लुप्त प्राणी बन चुका है। गोरैया बहुत कम देखने के लिए मिलता है, छोटा छोटा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आइए दोस्तों, बिहार का प्रमंडल, बोल रहा है बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में दोस्तों कितने प्रमंडल है, टोटल 9 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर, बिहार का जिला पूछ रहा है, बिहार का जिला है दोस्तों, बिहार में कितने जिले हैं, क्या है दोस्तों, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए दोस्तों, बिहार में अनुमंडल है, यहाँ पे दोस्तों बिहार का अनुमंडल या बिहार में कितने अनुमंडल है, तो बिहार में दोस्तों 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है दोस्तों, 101। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, बोल रहा है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो बिहार में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है दोस्ती, 21, कितना दोस्तों, 21। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगा, पटना में ही होगा दोस्तों। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, पटना। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, बिहार एक प्रांत है जिसका राजधानी कहाँ है, पटना। अब पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, शेखपुरा, सॉरी मुंगेर है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, मुंगेर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए दोस्तों, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों मुंगेर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज एक जिला है दोस्तों जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 17 आइए, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता वाला जिला मतलब जहां सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाएं पढ़े लिखे हों,
वो कौन सा जिला है? तो वो जिला है दोस्तों रोहतास। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का था बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, बोल रहा है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों, पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है जो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, जो कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में बिहार के, बिहार का अगर नक्शा आप देखे होंगे बिहार के नक्शा में, तो उत्तर पूर्व में इस जगह पे आपका किशनगंज पड़ता है उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, औरंगाबाद। कौन है दोस्तों, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए दोस्तों, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों। तो सबसे ठंडा जिला भी गया है, सबसे गर्म जिला भी कौन सा है दोस्तों, सबसे गर्म जिला भी है गया, सबसे गर्म जिला भी कौन सा है दोस्तों, गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। देखिए बिहार में सबसे बड़ा नगर दोस्तों आप सभी को पता रहा होगा कि बिहार का पटना जो राजधानी है वो सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए दोस्तों, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, देखिए मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है दोस्तों बौद्ध मठों का निर्माण या फिर बौद्ध भिक्षुओं का प्रवास, ठीक है। 23 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था दोस्तों, आप लोग बताइए बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था दोस्तों, 15 मार्च 1930 को। कब हुआ था दोस्तों, 15 मार्च 1930 को। देखिए 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून पहले तोड़ा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पे नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया, और फिर वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। इसी प्रकार से चूंकि 6 अप्रैल 1930 को वहां हुआ था, तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार में इसका प्रभाव देखने को मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई है, बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग, मतलब बिहार को अलग करने की मांग कब से उठा था, तो दोस्तों 1906 में, क्योंकि 1905 में आप सभी को पता होगा दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि बोला गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने में दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था, भाषाई आधार पे और जनसंख्या के अनुसार, और यहाँ क्रांतिकारी लोगों का जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, इस कारण से बिहार बंगाल का विभाजन किया गया, हिंदू मुस्लिम में तोड़ा गया, लेकिन उसी समय बंगाल विभाजन के बाद ही बिहार में बिहार का आंदोलन होना चालू हुआ 1906 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए दोस्तों, बिहार का मुगल साम्राज्य का प्रांत के रूप में गठन हुआ तो 1580 में दोस्तों, कब हुआ दोस्तों, 1580 में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में टोटल सीट कितना है दोस्तों, 243 टोटल कितने दोस्तों, 243 विधानसभा में, 243 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 आइए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, पूछ रहा बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पूछ रहा कब हुई या कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1916 में, कब हुआ था दोस्तों, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, बोल रहा है दोस्तों बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, टोटल 16 सीटें हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, 16। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन बिहार से संबंधित हमने आपको कराया, आगे इसी तरह का सीरीज बिहार से संबंधित लगभग क्वेश्चनों का आता रहेगा। आप सभी को पता है कि जैसा कि बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कराया, उसका जैन धर्म भी हमने कंप्लीट कर, मतलब उसका भी सीरीज चल रहा है दोस्तों, और ये अब बिहार का एक, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का भौतिक प्रदेश, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने उसका भी सीरीज ये आ रहा है दोस्तों,
तो आप लोग जितना से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो सके। बिहार एसएससी जो एग्जाम, जो अभी दोस्तों बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन का एग्जाम है दोस्तों। इसमें आपके बिहार से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये सब वन लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन जो मिलेंगे दोस्तों, आपके सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।